हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एके विश में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं लाई चूड़ा का नमकीन। तो लाई का चुरमुरा बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है लाई, पतला वाला चूड़ा, नमकीन, मूंगफली, देसी घी, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और बारीक कटा हुआ करी पत्ता। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। पहले हम मूंगफली फ्राई करेंगे। मूंगफली हमारा यहाँ फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। हम दोबारा सा देसी घी डालेंगे। देसी घी हमारा गरम हो चुका है, अब हम हरा मिर्चा फ्राई करेंगे। हरा मिर्च हमारा लाल हो चुका है, अब हम करी पत्ता डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। अब हम लाई डालेंगे। और इसे अच्छे से चलाएंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे। नमक, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला और इसे अच्छे से चलाएंगे। लाई हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसे हम निकाल लेंगे बर्तन में। अब हम अपना चूड़ा इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे कि हम थोड़ा डाल देंगे, बची हुई हल्दी पूरी हम डाल देंगे इसमें। अब हम चूड़ा डालेंगे, अच्छे से चलाएंगे इसे। अब इसमें जो बचा हुआ नमक था वो डाल देंगे, बचा हुआ लाल मिर्चा पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर और इसे अच्छे से चलाएंगे।
कचौड़ा भी हमारा फ्राई हो चुका है, गैस बंद करेंगे। अब उसी बर्तन में हम इसे भी निकाल लेंगे और इसी लाइट में कचौड़ा मिला देंगे। हमने जो मूंगफली फ्राई किया था वो भी डाल देंगे और ये रखेंगे। तो गाइस लाई का चुरमुरा हमारा बन करके तैयार है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।